रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक बूटेबल यूएसबी को नॉर्मल यूएसबी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहां सर्च पर आना है, सर्च पर लिखना है अपनी CMD, ठीक है। CMD लिखने के बाद आपने यहां कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट, डिस्क PART पार्ट, और इंटर प्रेस करना है। यहाँ से यस करना है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर आपने लिखना है लिस्ट स्पेस डिस्क, और फिर इंटर प्रेस करना है, ठीक। और यहाँ से फिर आपने यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी USB की साइज़ कितनी थी। तो मेरी USB की साइज़ तकरीबन 16 GB, तो ये डिस्क वन वाला मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्ट डिस्क, सेलेक्ट डिस्क, और क्या सेलेक्ट करूँगा, वन, और इसके बाद फिर इंटर प्रेस करूँगा, ठीक। और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्लीन, और फिर इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर लिख दिया डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक। तो इसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है क्रिएट स्पेस पार्टीशन, PARTITION पार्टीशन, और प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी, और इसके बाद इंटर प्रेस करना है, ठीक। यहाँ पर फिर क्या लिखना है, आपने लिखना है एक्टिव, ACTIVE एक्टिव, ठीक, और इंटर प्रेस करना है, ठीक। यहाँ पर फिर आपने लिखना है फॉर्मेट, FORMATE फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल टू NTFS स्पेस क्विक, QUICK, और इंटर प्रेस करना है, ठीक। अब ये 0% कंप्लीट नहीं है, ये 100% तक जाएगा। तो 100% ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपने लिखना है असाइन, ASSIGN, और इंटर प्रेस करना है, ठीक। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा USB ड्राइव। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर आना है और चेक करना है। देखो दोस्तों, ये हमारी USB थी, ये हमारी नॉर्मल डेटा USB में तब्दील हो गई। इसके बाद आपने यहाँ पर फिर आना है और यहाँ पर लिखना है एग्ज़िट, और ओके, और फिर इसके बाद आपने इसको बंद करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।